Aliya, can I have a dance with you? आज आपकी संगीत सेरेमनी है और आपकी वाइफ बैठी है उधर. आपको शायद उसके साथ डांस करना चाहिए. साली भी तो आधी घरवाली होती है. ये साली वैसी नहीं है और मुझे आधी घरवाली बनाने के चक्कर में आप खुद आधे बन जाओगे. Come on, be a sport. कल तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी भी बच्चों की तरह लुका छुपी खेल रहे हो. यू नो यू शुड लर्न दिस बेसिक मैनर्स. किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना जरूरी होता है. मानिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू यार. टॉक टू यू. वो नीचे इतनी भीड़ थी कि बात ही नहीं हो पाई. और फिर जब अब हमारी रिश्तेदारी बनने वाली है तो फिर मेल मिलाप तो होना चाहिए ना. वाओ, यू लुक सो प्रिटी. हटो मेरे रास्ते से. मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम कह रही हो हटो मेरे रास्ते से. मैं तो बस ये कहने आया था कि मैंने तुम्हें जब से देखा है मेरे तो होश ही उड़ गए हैं. तुम यहाँ से निकलो वरना मैं वरना वरना क्या आलिया. लुक आलिया, आई एम अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन और तुम मेरी कंपनी में बोर नहीं होगी. आई प्रॉमिस. तुम यहाँ से निकलते हो कि मैं चिल्लाऊं. ओके रिलैक्स. तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ. वैसे भी तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है आज. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम. बाय. दरवाजा बंद कर दो. हम दोनों को और भी करीब लाने के लिए एक छोटा सा नन्ना सा आने वाला है. मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उस दौरान तुम पृथ्वी के साथ थी. पृथ्वी, ये झूठ क्या है? झूठ क्या है? मैं प्रेग्नेंट हुई ही नहीं. That's enough, Kripa. मैं तो तुम्हारी जिंदगी से चला गया था. लेकिन अलीस उसके बारे में तो सोचो जो इस दुनिया में आने वाला है. क्या हुआ पृथ्वी, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? कृपा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी. अच्छा तो कहो. हमारे होने वाले बच्चों के बारे में. देखो
मैंने कुछ डिसाइड किया है। हमारा सबसे बड़ा बेटा जो होगा ना, वो मेरी तरह एक इवेंट मैनेजर होगा। कम ऑन, आफ्टर ऑल दे से ना, लाइक फादर लाइक सन। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। उसकी मर्जी, करना चाहता तो करे। लेकिन हमारी जो ट्विन बेटियां होंगी ना, उनको मैं एक मिनट, ये लिस्ट कभी खत्म होती है ना? अरे होगी तो सुनो ना। तो पहले हुआ बेटा, उसके बाद दो ट्विन बेटियां, और फिर कुछ साल बाद एक छोटा सा क्यूट बेटा। सो टोटल फोर। बस पृथ्वी, कुछ ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं होगी। कृपा सुनो, जो बेटियां होंगी ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होंगी। सुनो ना, आई एम सीरियस। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जैसी हो, ताकि मैं उन्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा उनके पास रहूंगा। हम हमेशा पास रहेंगे ना? ऑब्वियसली पृथ्वी, अब चले। अब ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे कृपा, कभी नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने कृपा? क्यों? तुम मेरी जिंदगी से गई और मेरी जिंदगी भी साथ ले गई। मम्मी जी। हाँ कृपा। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। मम्मी जी, क्या आप बहुत खुश हैं? खुश? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, दादी जो बनने वाली हूँ। इतने दिनों के बाद ये खुशियां नसीब हुई है, खुश क्यों नहीं होंगी? मम्मी जी, हम आपको दादी बनने का सुख कभी नहीं दे पाएंगे। क्या? जी मम्मी जी। ना मैं प्रेग्नेंट हूं और ना ही कभी हो पाऊंगी। What do you mean? अंगद कभी कभी बाप नहीं बन सकता मम्मी जी। ये तुम क्या कह रही हो? शायद आप भूल गई हैं मामा, अंगद का एक्सीडेंट हुआ था जेल से भागते वक्त, और बस उसी एक्सीडेंट में अंगद, मामा मैं जानती हूं आप मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मामा अंगद भी जानता है, बस मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे जो उल्टियां हो रही थी उस दिन, वो बस एसिडिटी की वजह से थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और आके सब कुछ आपको बता दिया। घर की बात अगर घर में रह जाती तो मैं चुप रहती, लेकिन मम्मा आज अंगद ने ठीक नहीं किया। भरी पार्टी में सबके सामने उसने मेरी प्रेगनेंसी की बात की। जानती हूं इस बात से आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मम्मी ये तकलीफ कल आने वाली उस बड़ी तकलीफ से तो बेहतर है। मुझे माफ कर देना। I'm sorry, mama. कृपा, एक माँ के लिए सदमा बर्दाश्त करना कि उसका बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है उसकी पत्नी के लिए, और ये तकलीफ सहकर भी अंगद का दिल रखने के लिए तुमने ये बात छुपाए रखी।
उसका झूठ सहती रही बिना किसी को बताए. I'm proud of you. मम्मी जी, आज भी मैं ये बात आपसे नहीं कहती. अगर अंगद ने मुझे इस तरह मजबूर नहीं किया होता, मुझे माफ कर देना. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. I'm sorry. मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा. मुझे अंगद के लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए खुशी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. कृपा, क्या बात है? मैंने पासा पलट दिया दादी. क्या मतलब? आप कहती थी ना दादी, लोहा ही लोहे को काटता है. आज मैंने अपने झूठ से अंगद का झूठ काट दिया. मैं नहीं जानती दादी मैंने सही किया या गलत. देखो कृपा, मैं नहीं जानती तुमने क्या किया है और क्या नहीं, और मैं तुमसे कोई सफाई भी नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, जो कुछ भी कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारे और अंगद के बीच में रहना चाहिए. ऐसा कुछ मत करना जिससे इस परिवार की खुशी और शांति पर असर पड़े. आप ठीक कह रही हैं दादी. एक पल के लिए आज मुझे भी लग रहा था कि मुझे मम्मी जी को सब कुछ सच बताना चाहिए या नहीं. फिर मैंने सोचा, अगर मैंने उनसे आज सच नहीं कहा तो शायद जब वो जानेंगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा. लेकिन दादी, मैं उन्हें कल आने वाली बड़ी तकलीफ से बचाना चाहती थी. कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं सच कहती हूं, मैंने आज जो कुछ भी किया है मम्मी जी की खुशियों के लिए किया है, उन्हें दर्द से बचाने के लिए किया है बस. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन्हें जानते हैं वो हमें नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनका ध्यान ही नहीं दें. पर दादी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें दर्द देते हैं. क्यों दादी? हमें दर्द इसलिए मिलता है कि हम मुश्किल वक्त में जीना सीखें. दर्द हमें मजबूत बनाता है, हमें जीने की हिम्मत देता है. खुशियां तो भ्रम होती हैं, वो इंसान को कमजोर बनाती हैं. इसलिए दर्द से डरो मत, उससे सीखो, उससे हिम्मत लो. परंगत, तुम्ही ने तो सबके सामने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और प्रेग्नेंट औरतें काम नहीं करती. सो गुड नाइट. ये मेरा ब्लैंकेट है. अंगद, ये मेरा ब्लैंकेट है. कृपा, ये मेरा है. ये मेरा है. मेरा है अंगद, ये मेरा रूम है और ये ब्लैंकेट भी मेरा है. ये मेरा है. ये कंबल मेरा है. ये मेरा है. बोला ना, मैंने कहा ना मेरा है. सांसों का सांसों को पैगाम
लेने दो इस रात को, कोई इल्जाम लेने दो, बस कांपने दो लबों को, सुन लो जरा धड़कनों को, आगोश में इसकी मुमकिन है जल जाए, ये इश्क की आग है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है?